इस कार्यक्रम के प्रायोजक शारदा यूनिवर्सिटी। अपना ये घड़ी डिटर्जेंट केक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेहतर शिक्षा का लाभ उठाते हुए आज लड़कियां बन रही हैं देश की प्रगति का आधार। कैसे, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। किसी भी देश की तरक्की में एक बड़ा हाथ होता है टेक्नोलॉजी का। भारत की प्रगति में भी इसी सेक्टर का योगदान है। यही वजह है कि मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे फील्ड के साथ साथ लड़कियां इंजीनियरिंग जैसी टेक्निकल एजुकेशन को ऑप्ट कर देश की प्रगति में एक बड़ा योगदान दे रही हैं। ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है क्योंकि पहले लड़कियों को इतना एक्सपोजर नहीं मिला था। आजकल जैसे जैसे कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं एंड पेरेंट्स भी ब्रॉड माइंडेड होते जा रहे हैं तो अपनी गर्ल्स को भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए एंड कॉलेज की वजह से नॉर्मल गर्ल भी इंजीनियरिंग कर पा रही है और काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि गर्ल्स आर बेटर, ये प्रूव होते जा रहे हैं। अब तो जो हार्डकोर ब्रांचेस भी हैं उसमें भी जा रही हैं लड़कियाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जा रही हैं, सिविल इंजीनियरिंग में भी जा रही हैं। तो उनका मकसद यह है कि ये उन्होंने समझ लिया कि हम जाके कुछ मैनेजरियल वर्क भी कर लेंगी, बी करने के बाद एमबीए कर लेती हैं तो मैनेजरियल पोजीशन पे आ जाती हैं, तो लड़कियां काफ़ी आ गई हैं। शिक्षा के स्तर में आए नए एडवांसमेंट्स और वर्ल्ड क्लास टीचिंग फैसिलिटीज के साथ इन्हें ग्रूम किया जा रहा है इंडस्ट्री नीड्स के मुताबिक, जिसके तहत इन्हें दी जाती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट कल्चर की स्पेशल ट्रेनिंग ताकि ये बन सके एक ग्लोबल प्रोफेशनल। इंडस्ट्री में उनकी नॉलेज बढ़े इसलिए हम उनकी इंडस्ट्री विजिट भी रखते हैं और कैरिकुलम में जो है फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट भी बनाए जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट हम इंडस्ट्री से जो कोऑपरेट करके या उनसे कोऑर्डिनेट करके कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ से लेते हैं और वो बच्चे उसमें प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है स्टूडेंट्स को, जो हमें कॉर्पोरेट में एक एक्सपोजर वहाँ कैसे काम होता है वो सब सिखाता है। कॉर्पोरेट से टाइप्स हैं, वो लोग यहाँ पर गेस्ट लेक्चर लेने आते हैं, वहाँ के जो पर्सन हैं जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ आते हैं, उनका नॉलेज हमसे शेयर करते हैं। यहाँ पे एक डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग भी इम्प्लीमेंट किए हैं। मान लीजिए कोई जैसे कि एक टीवी ट्रेनर है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, तो उसमें क्या क्या फॉल्ट कोई हम क्रिएट कर देते हैं, देन ही हैज टू डायग्नोस क्या फॉल्ट आया है और उसको कैसे उसको रेमेडी करना है ताकि उस जैसे बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको वो समझे। प्रोफेशनल एजुकेशन की बात है, उसमें प्रोफेशनली इस तरह से ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स का कि उन्हें थ्योरी नॉलेज तो मिले ही, साथ में प्रैक्टिकल्स भी उतने ही ज़्यादा अच्छे से बताए जाए। जो वर्ल्ड है आप यहाँ से निकलेंगे बहुत कॉम्पिटिटिव है, अगर आपको शुरू से ही ऐसा ट्रेन किया जाता है तो आपको उसको फेस करने में बहुत ईजी रहेगा और अगर आपको यहीं से ट्रेनिंग मिलती है तो आपको वहाँ जाके एक फियर जो होता है फियर फैक्टर वो वहाँ से पूरी तरीके से हट जाएगा। इनको यहाँ पे लेके कई तरह के हम लोगों ने सेशंस चालू करे, कई लोग कई कॉर्पोरेट सेशंस भी होते हैं डिसिप्लिन को लेकर। इंस्टीट्यूट्स आज जोर दे रहे हैं कि लड़कियां न सिर्फ जॉब सीकर्स बने बल्कि बने एंटरप्रेन्योर भी। यही वजह है कि स्टडीज के दौरान इन्हें कॉर्पोरेट विजिट और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी दिया जाता है। शिक्षाविदों का भी मानना है कि लड़कियों में एंटरप्रेन्योरशिप के कई गुण स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं। कोर्स में ही इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल के नाम से फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, एक दो दो पीरियड जो सेमिनार और जीडी के लिए रखे जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन का डेवलपमेंट करने के लिए सेमिनार बच्चों से करवाने के लिए। दो सोसाइटीज़ हैं IEEE और CSI, इनके द्वारा मुझे अपने IT स्किल डेवलप करने का बहुत सारे मौके मिलते हैं। गर्ल्स के लिए स्पेशल सेल बनी हुई है, विमेन सेल है, जिसमें हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ हम हमारी टैलेंट शो कर सकते हैं, हमें वर्कशॉप्स में अटेंड करने का मौका मिलता है, NGO से हम लिंक्ड हैं यहाँ पे और काफ़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस देते हैं हमें, तो इससे गर्ल जो पहले बहुत शाय रहती थी घर पे रहती थी अब यहाँ पे हमें इंडिविजुअल को एक गर्ल इंडिविजुअली डेवलप हो रही है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग जॉब सीकर दे शुड बी जॉब प्रोवाइडर्स और जो पर्टिकुलरली इसमें कुछ अब जैसे हम लोगों के यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स है, सिविल इंजीनियरिंग कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह दूसरे कोर्सेज हैं, वहाँ पर दे कैन सेटअप देयर ओन यूनिट इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्री भी कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काफ़ी हम लोग उनको कर रहे हैं। कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को फैकल्टीज के अंदर असाइन किया जाता है जिसमें कि स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनके SWOT एनालिसिस होता है, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी वीकनेसेस को, उनके अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, जो उनके वीक पॉइंट्स होते हैं उन पर इम्प्रूवमेंट के लिए उनको सजेशंस दिए जाते हैं।
बेहतर शिक्षा ने एक ओर जहां ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की कमी को पूरा किया है, वहीं दूसरी ओर काबिलियत और हौसला रखने वाली इन लड़कियों को भी दिए हैं नए अवसर, जो आखिरकार देश को दे रही हैं लगातार प्रगति की दिशा।